आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने बल्लभपुर में एक दिव्यांग बच्ची को व्हीलचेयर और जरूरतमंद लोगों के बीच त्रिपाल वितरण किया। त्रिपाल मिलने से वंचित ग्रामवासियों ने विधायक के पास पहुंचकर त्रिपाल की मांग की। विधायक अग्निमित्रा पाल ने उनकी सूची बनाकर जल्द ही त्रिपाल दिए जाने का आश्वासन दिया। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल रविवार को रानीगंज ब्लॉक के बल्लभपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत षष्ठी तला अंचल में पहुंची, जहां उन्होंने एक दिव्यांग बच्ची को व्हीलचेयर प्रदान किया। इसके साथ ही गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच त्रिपाल वितरण किया। इसके साथ ही वे बच्चों से रूबरू हुई और उन्हें चॉकलेट भी प्रदान किया। इसके साथ ही विधायक अग्निमित्रा पाल ने कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर को उन्हीं की पुण्यतिथि पर याद किया। कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बताया जाता है कि विधायक अग्निमित्रा पाल जब जरूरतमंदों के बीच त्रिपाल वितरण कर रही थी, उसी समय बड़ी संख्या में ग्रामवासी वहां पहुंचे और त्रिपाल की मांग की। ग्रामवासियों ने कहा कि अब तक वे त्रिपाल से वंचित हैं और उन्हें त्रिपाल क्यों नहीं मिल रहा है, वे विधायक से जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे लोगों की तरह उन्हें भी त्रिपाल मिलना चाहिए। विधायक अग्निमित्रा पाल ने तुरंत स्थिति को संभालने का प्रयास किया और जो लोग त्रिपाल से वंचित हैं उनकी एक सूची तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों को भरोसा दिलाया कि वे उनके सुख दुख में साथ खड़े हैं। विधायक अग्निमित्रा पाल ने कहा कि वे जनता की सेवा करने आई हैं और दिव्यांग बच्ची को जब उन्होंने व्हीलचेयर प्रदान किया तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वही उनके लिए संतोषजनक और मन को सुकून देता है। मंडलेर बल्लभपुर এখানে আমাদের এই ঝর্ণার পায়ে প্রবলেম আছে, ঝর্ণা হাঁটতে পারে না, জন্ম থেকেই হাঁটতে পারে না। আমাদের মাননীয় মণ্ডল প্রেসিডেন্ট সন্দীপদা জানালেন যে দিদি, একটা যদি হুইলচেয়ার ঝর্ণার জন্য করা যায়। এর আগেও অনেককে দিয়েছে হুইলচেয়ার, তো এবারে যখন কলকাতা থেকে এলাম পরশু দিন, তখন এই হুইলচেয়ারটা ঝর্ণার জন্য নিয়ে এসছি। এটা একটা আলাদা আনন্দ, ঝর্ণা চেয়ার যে হুইলচেয়ারে বসে যেরকম হাসি হেসে আমাকে বললো যে খুব ভালো লাগছে, এটাই আমার পাওনা। খুবই ভালো লাগছে, মানুষের সেবা করতেই এসেছি। এদের জীবনে অনেক প্রবলেম, সামান্যতম যদি কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারি, ওদের মুখে হাসি ফোটাতে পারি, স্পেশালি ঝর্ণার মতো নিষ্পাপ ছোটো ছোটো বাচ্চারা, আমার সত্যি মানে আমি ধন্য ভগবানের কাছে এই অপরচুনিটি ভগবান আমার জন্য করে দিয়েছেন, যে আমার এই আমি যে করতে পারছি কিছু ওদের জন্য, এটাই আমার কাছে বড় পাওয়া। রানীগঞ্জ থেকে রামবাবু যাদব কি রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস।